Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. So today in this video, we are going to continue chapter number 4 of class 6, which is sorting materials into groups, part 6. And in this part, we are going to discuss further properties of any material, which is conductivity, malleability and ductility, which is on your book page number 58 to page number 60. So let's start with conductivity. What is conductivity? Metal are generally good conductors of electricity and heat. Cooking vessels are therefore made of metals. Similarly, electric wires are made of metal such as copper and aluminum. So now we are going to discuss about another property of any material, which is conductivity. Now the question is that what is conductivity and why we are saying that the metals are generally good conductors of heat and electricity. So क्या होता है बेटा कि ऐसी कोई भी material, ऐसा कोई भी substance material जो कि अपने में से heat को और light को pass होने दो, ठीक है, उसे हम कहते हैं good conductor. और जो भी अपने आप में से heat और light को pass ना होने दे उसे कहते हैं हम bad conductor. अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एनी मेटल, जितने भी वेसल्स हैं आपके घर में वो जनरली आपने देखे होंगे आयरन के बने होंगे, स्टील के बने होंगे. ओके, सो दीज मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक वायर है, वायर की जो फिटिंग है, कभी आपने देखा है जो वायर की फिटिंग हो रही है वो वुड से हो रही है? अंदर का जो वायर होता है, प्लास्टिक वाला वायर अगर आप हटाओगे तो क्या वो कभी आपने देखा है वो किसी और मटेरियल का बना है, किसी वुड का बना है, किसी और चीज़ का बना है? नहीं ना, वो किसके बने होते हैं? वो एल्यूमिनियम या कॉपर के बने होते हैं. क्यों बने होते हैं एल्यूमिनियम या कॉपर के? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इवन आर ह्यूमन बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि हमें शॉक्स क्यों लगते हैं? हमें शॉक्स इसलिए लगते हैं बिकॉज आर ह्यूमन बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो वी शुड कीप आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम सच थिंग्स. सिमिलरली, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसीलिए हम जितने भी वेसल्स बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? कुकिंग वेसल्स भी मेटल से बनाते हैं. और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वायर है वो भी किससे बनाते हैं? वो भी एल्यूमिनियम या फिर कॉपर से बनाते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मेटल्स. वुड एंड प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन जैसे वुड हुआ, जैसे प्लास्टिक हुआ, दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मतलब कि अपने आप में से हीट को पास नहीं होने देते. इसका एक डेली लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कुकिंग वेसल है, उसका जो भी हैंडल होता है ना, वो हैंडल किससे मिलके बना होता है? वो हैंडल मिलके बना होता है जैसे कि प्लास्टिक से बना होता है, या फिर वो वुड से बना होगा, या जितने भी वायर्स होते हैं उनके ऊपर की जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है? वो प्लास्टिक की होती है. बिकॉज प्लास्टिक एंड वुड आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Okay, that is why handle of cooking vessels are made up of wood and plastic, as I have already told you. This allow us to hold hot vessels without burning our hands. तो अगर वो प्लास्टिक का या वुड का जो लेयरिंग अगर वह उस पर नहीं होगी या हैंडल नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से हमारा हाथ जल जाएगा अगर वो नहीं होगा तो. लेकिन वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि हमारा हाथ ना जले और हम आराम से किसी भी गर्म वेसल को क्या कर सकें? होल्ड कर सकें. Similarly, the switches, switchboards and body of electric equipments are made up of plastic. जितने भी आप switchboard होंगे आपके घर में या फिर जितने भी electronic equipments आप देखेंगे वो किसके बने होते हैं? वो plastic के बने होते हैं. उनकी body plastic की बनी होती है. Plastic की इसलिए बनी होती है ताकि उसमें से electricity flow ना कर पाए. This prevent us from getting electric shock. इसकी वजह से क्या होता है? हमें electric shocks नहीं लगते. Thus we can also classify materials on the basis of their ability to conduct heat or electricity. So is property on the basis of the conductivity we can differentiate the materials. Obviously we can differentiate the materials because some materials conduct heat and electricity but some are not. Okay, so next property is malleability. What is malleability? Metals are malleable. They can be beaten into thin sheet with a hammer. So what is malleability or what is malleable? Generally it is the property of any metals in which any metals can beaten, मतलब हम उसे हैमर से मार के क्या कर सकते हैं? उसको एक शीट में बना सकते हैं.
जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन, आपके घर में कूलर होंगे, आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो कि आयरन की बनी होती हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें, हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ को, हम किसी भी मेटल को हम हॉट करते हैं, फिर हैमर से क्या करते हैं उसकी बिल्कुल थिन शीट बना देते हैं। दिस प्रॉपर्टी जिसमें हम किसी भी मटेरियल की शीट बना सकते हैं उसे कहते हैं उसकी मैलेबिलिटी। सो जनरली मेटल्स आर मैलेबल, मतलब हमने जनरली देखी है कि मेटल्स की जो होती है ना ये शीट्स बन जाती है आराम से, किसी भी नॉन मेटल्स की ऐसी शीट बनाना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज नॉन मेटल्स आर जनरली क्या होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भंगुर जिसे कहते हैं हम, वो मतलब कि वो अगर आप उसे हैमर से मारेंगे, हैमर से बीट करेंगे तो वो टूट जाएंगे, बट मेटल्स में ऐसा नहीं होता। ओके, मैलेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी हैमर्ड इन टू थिन शीट। सो वॉट इज मैलेबिलिटी? मैलेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी इन विच एनी मेटल्स अलाउ, मतलब किसी भी मेटल को हैमर से मार कर, हैमर से मतलब कि किसी भी हथौड़े से मार मार कर उसकी थिन शीट बना देना, दिस इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल्स टर्न इन टू द थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग वैन वी हैमर इट। अब जैसे कि कोई भी पीस ऑफ एल्यूमिनियम है उसको हम क्या कर सकते हैं, मार मार के उसको पीट पीट के हैमर से क्या कर सकते हैं उसकी थिन शीट बना सकते हैं और वो टूटेगा भी नहीं। सो दिस इज कॉल्ड मैलेबिलिटी, वो टूटना नहीं चाहिए। सिल्वर एंड गोल्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। तो सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल मेटल्स होते हैं, इस वजह से आपने देखा होगा बहुत डिज़ाइनर ऑर्नामेंट्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, आभूषण बनते हैं। क्यों बनते हैं? बिकॉज सिल्वर और जो गोल्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल होते हैं। बिकॉज सिल्वर और गोल्ड इतने ज़्यादा प्रीशियस क्यों हैं? बिकॉज इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है। अब एक बच्चा जो कि पढ़ने में भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, या सभी चीज़ में अच्छा है, तो ऑब्वियसली उसकी हर जगह तारीफ होगी, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा। ऐसे ही ये जो सिल्वर और गोल्ड है ये ऐसे बच्चे हैं जो कि हर चीज़ में अच्छे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स। सो वॉट इज डक्टिलिटी? जनरली डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी इन विच वी कैन ड्रॉन एनी काइंड ऑफ मटीरियल इन द थिन वायर, जिसमें हम पतले पतले वायर बना सकें, किसी भी मेटल के या किसी भी सब्सटेंस के हम बना सकें। जनरली मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स ही डक्टाइल होती हैं, जैसे कि मेटल ही मैलेबल्स होती हैं, मेटल ही क्या होती हैं? डक्टाइल होती हैं, ठीक है। इनका हम क्या कर सकते हैं, इनके हम थिन थिन वायर मतलब पतले वायर बना सकते हैं। द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी ड्रॉन इन टू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। सो ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटल की, जिसमें हम उसका क्या बना सकते हैं, उसका वायर बना सकते हैं, उसका थिन वायर बना सकते हैं। अगेन गोल्ड एंड सिल्वर आर अमंग द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डक्टाइल मेटल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्ड और सिल्वर क्लास के टॉपर्स हैं, स्पोर्ट्स के टॉपर्स हैं, सबके टॉपर्स हैं, तो ये क्या हैं, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डक्टाइल मेटल्स। टंगस्टन मेटल इज़ यूज टू मेक द वायर ऑफ द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जो टंगस्टन होता है, जैसे कि आपका जो पहले इलेक्ट्रिक बल्ब आते थे, आज भी आते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, तो उनका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। सो इसके पीछे क्या है, एक लॉजिक है, टंगस्टन का क्यों बना होता है। तो टंगस्टन का इसलिए बना होता है बिकॉज टंगस्टन जो एक हमारा मेटल है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है ना। इसकी वजह से हम जनरली उसको टंगस्टन का बनाते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे किड्स। I hope you all are doing good at your homes. Thank you so much.